ये कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि सियासी उलटफेर और बिहार एक दूसरे के पर्यायवाची हो चुके हैं। और पिछले कुछ दशक में जब उत्तर भारत के सूबे में राजनीतिक उठापटक की बात आती है तो उसके केंद्र में एक नाम जरूर होता है, वो है नीतीश कुमार। अब की बार किसी ने नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार पलटेंगे, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होते वक्त बात ही कुछ ऐसी कही थी। लेकिन बात वहीं आकर ठहरती है कि बिहार की सियासत और उलटफेर एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। नमस्कार, मैं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। बस 50 दिन और बिहार की सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया। इस उलटफेर का नेतृत्व एक बार फिर नीतीश कुमार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, मर जाना पसंद करूंगा लेकिन एनडीए में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन 18 महीने में नीतीश अपने बयान से पलटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लालू यादव ने अगस्त 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, नीतीश कुमार सत्ता के लालची है, कुर्सी के लिए उन्होंने कितनी बार अपना रुख और अपनी निष्ठा बदली है इसकी मुझे गिनती भी नहीं है। वो उन लोगों में से है जो अनुकूल परिस्थिति आने पर पाला बदल देते हैं। लेकिन ये सच भी है कि बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी। अब बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि नीतीश कुमार की अकेले कोई बहुत बड़ी राजनीति ताकत नहीं रह गई, लेकिन जब वो किसी के साथ हो जाते हैं तो उस गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही सोचकर विपक्ष के 28 दल नीतीश के साथ इंडिया गठबंधन बनाने के लिए राजी हो गए। अगर नीतीश और उनकी पार्टी की माने तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने उन्हें उतनी अहमियत नहीं दी जितना वो चाहते थे। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी नीतीश और कांग्रेस के बीच सब कुछ ढीला ढाला ही चलता रहा। इंडिया गठबंधन की सुस्त चाल को बीजेपी ने परखा और नीतीश के मन में कांग्रेस का प्लान खटका और उसके बाद एक बार फिर बिहार में शुरू हो गई राजनीतिक पलटबाजी की कहानी। नीतीश को बिहार में सीएम की कुर्सी चाहिए थी और बीजेपी के टारगेट पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस थे। दरअसल बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद 10 दिसंबर 2023 को पहली बार अमित शाह और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आए। सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने गर्म जोशी से गृह मंत्री का स्वागत किया। इस मुलाकात के चंद दिन बाद बिहार में अचानक राजनीतिक घटनाक्रम बदलने लगे। 29 दिसंबर 2023 को पटना से दूर दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसमें ललन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिए गए और नीतीश कुमार ने कमान संभाली। ये वही ललन सिंह थे जो जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहे थे। ये संयोग था या एनडीए में वापसी का सियासी प्रयोग? ललन सिंह के हटने के 16 दिन बाद नीतीश कुमार पर अमित शाह का स्टैंड बदल जाता है। अमित शाह इस थ्योरी को नकार देते हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में वापसी की कोई संभावना नहीं है। दरअसल एक मीडिया संस्था को दिए इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा गया था, पुराने साथी जो छोड़कर गए थे नीतीश कुमार आदि, ये आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं? अमित शाह ने जवाब दिया, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। अब बीजेपी और नीतीश के बीच डील पक्की हो चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के सपोर्ट से बिहार में सरकार बनाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार का सपोर्ट करने के लिए 2 डिप्टी सीएम और सदन में स्पीकर की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे।